जय जोहार संगवारी मन। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब मस्त होंगे आई होप। मैं भी मस्त हूँ यार। एक नया बिहानिया हो चुका है और इस नए ब्लॉग और बिहानिया में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए चलते हैं, आज जाएंगे हम लोग तोरा नदी किनारे। छत्तीसगढ़ का सबसे लास्ट किनारा है और आप देखिए व्यू काफ़ी सही है यार। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी मस्ती होने वाली है और आप भी इंजॉय करेंगे हमारे साथ। सो रेडी हो चुके हम लोग। तो अभी गाड़ी का तो साउंड आ रहा है पिक पिक पिक। तो सबसे पहले गाड़ी में जब ड्राइव करते हैं कार वगैरह तो सीट बेल्ट बांध लेना चाहिए। तो मैं बांधता हूँ सीट बेल्ट और चलते हैं यहाँ से ड्राइव करते हैं। तो गाइस पूरे बने रहो वीडियो को, पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी मजा आने वाला है गाइस। हे गाइस, हम लोग पहुंच गए डेस्टिनेशन। कार हमारा पार्क है बट हमको थोड़ा सा चीज़ों की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। तो भैया चिल्ला रहे हैं, 10 मिनट का समय दे रहे हैं। डेस्टिनेशन पहुंच गए तोरा, द लास्ट विलेज ऑफ छत्तीसगढ़। तो महानदी के छोर पे बसा हुआ है, महानदी के किनारे लास्ट गांव है ये पूरा छत्तीसगढ़ का इस रीजन में। और हम लोग उसी गाँव में आज करने वाले हैं पिकनिक पार्टी, जो छेरछेरा पार्टी बोल सकते हो आप। और मैं भाई लोगों को बोला यार पानी भर लो, पानी बहुत जरूरी। नदी के किनारे हम लोग पार्टी कर रहे हैं बट उस पानी को हम लोग पी सकते हैं लेकिन बॉईल करके, और पानी काफ़ी ठंडा होता है और उसे सर्दी भी हो सकती है, तो इसलिए हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं एक बोर, यहाँ आसपास कहीं पे बोर होगा क्योंकि पूरा खेत वगैरह है। तो एक देखेंगे बोर, वहाँ से हम लोग लेंगे पानी। तो पानी का डब्बा तो छोटू भाई पकड़ लिए हैं यहाँ पे, देखते हैं जल्द तो झुकेगा नहीं साला, पानी खोजेगा और पानी लेगा नहीं साला। चलो गाइस देखते रहो, बने रहो, पूरा वीडियो लास्ट देखिएगा और मैं दिखाऊंगा पूरा व्यू ये कैसा है हमारा तोरा गांव का नज़ारा। सो अभी खेतों के बीच जा रहे हैं हम लोग और ये आम के पेड़ भाई, इसमें काफ़ी आम फलते हैं यार। मैं एक दो साल पहले आया हूँ यहीं पे और लेकिन इस बार इसमें फूल लगे नहीं हैं क्योंकि अभी तक तो फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फरवरी का मंथ चल रहा है, आम में फूल आने लगते हैं बट नहीं आए अभी तक से। पता नहीं इस बार आम कम लगेंगे लग रहा है। और हम लोग खेतों के बीच जाने वाले हैं अभी पानी की तलाश में। बोर ना चल बार वो तो जा रहे हैं, बोर देखेंगे गाइस यहाँ पे। तो यहाँ भैया लोग हैं मछली पकड़ रहे हैं शायद तक, तो बता रहे हैं कि बोर बंद है, देखते हैं आगे गाइस क्या होता है। तो यहाँ पे पानी आ रहा है, पानी का एक सोर्स है बट ये पानी सीधा नदी से आ रहा है, नदी से सीधा खेतों में जा रहा है। तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग बोरवेल्स देख रहे हैं, इसको अवॉइड करेंगे अभी। हम लोग को फाइनली ये बोर मिल गया और ये बोर घर तो नहीं है बोर, पर यहाँ पे थोड़ा सा टीन का यहाँ पे सेट लगाया गया है और यहाँ ऑन ऑफ का मशीन है। वैसे मेरे को चालू मत करो छोटू, अभी चालू मत करो, थोड़ा देखते हैं इसको। लाइट तो है यहाँ पे, ग्रीन सिग्नल आ रहा है और हमारा ये पूरा पाइप से जुड़ा हुआ है। तो पाइप को हमने खोला है वहाँ से थोड़ा सा, अमन भाई वहाँ पे बैठ के पाइप को थोड़ा खोले हैं, वहाँ पानी भरेंगे। तो 2 मिनट के लिए हम लोग बोर चालू करेंगे फिर उसके बाद बंद कर देंगे। जल्दी से पानी भर लेते हैं गाइस। पानी भर रहे हैं अभी, एकदम साफ पानी, बोरवेल्स का पानी, पानी वानी भर गया। अब चलते हैं लोकेशन की ओर, तो आपको लोकेशन दिखाऊंगा इसके बाद। बाहुबली छोटू फिर से बाहुबली का रूप लेते हुए पूरा पानी बॉटल 15 लीटर को उठाते हुए अकेले। बाहुबली बाहुबली अमन अमन मुनगा खेड़ा
मुनगा खेड़ा, अपना ताकत बताते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ आज का हमारा लोकेशन। और लोकेशन में एंट्री करते हुए अभी तो अभी थोड़ा सा मैं गाड़ी का चाबी खोल दूंगा, क्योंकि अमन को अभी जरूरत है कुछ चीज़ का, तो ये खुल गया तो इसको लॉक करके आना। पकड़ अमन, इसको लॉक कर देना। मैं कर दूँ क्या लॉक? हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग का लोकेशन रिवील होने वाला है तोरा गाँव का। तो भोजी भात करने के लिए भाई भात दाल तो ले आए हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है लकड़ी। तो यहाँ हमारे शाहिल आर्य वीर दल से हम अपना यहाँ पे ये देते हुए, क्या देते हुए यार, श्रमदान, अपना श्रमदान देते हुए लकड़ी काट रहे हैं यहाँ पे। तो लकड़ी हो गया है कलेक्ट, अब चूल्हा भी हो जाएगा रेडी, फिर करेंगे हम लोग यहाँ पे भोजी भात की तैयारी। भात में सबसे स्पेशल हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आज के इस पार्टी के, एकदम चीफ गेस्ट लोग आ गए हैं अभी। देखिए 1 2 3 4 चार चीफ गेस्ट हैं, तो चलिए इनसे मिलते हैं, थोड़ा बात करते हैं। अप्रैल के बाद क्या होता है तो भुजी भुजा कर ऐसा कहो तो इतना कहता है ला मकर मेला नहीं नहीं तो भीड़ भाड़ खिला की जनता छी नहीं है लोग बाग ना छी है ना सुन जनता का आज पिकनिक की डाल लगी बात सुन से पिकनिक मनाबार लगी पिकनिक ले जाऊं जन और तुम्हें ये तुरा तुरा रहा कि थोड़ा थोड़ा तो तुम्हें तो जहाँ जाना था हाँ हाँ फिर है या पाठ करने लो ना लोग बांगना ना जाने। सो गाइस इस बार का मकर मेला भी कैंसिल हो गया था क्योंकि कोविड के चलते गवर्नमेंट ने बंद कराया था मेला। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, यहाँ से थोड़े दूर 1 किलोमीटर बाद है पोरत गाँव, और अंकल पोरत के हैं, उनसे बात हुई मेरी और बता रहे थे कोई भीड़ भीड़ नहीं है, बस पूजा पाठ हुआ होने के बाद बंद कर दिए। तो मैं बैग लेके जा रहा हूँ अभी लोकेशन पे, एक बार लोकेशन में फुल व्यू बताता हूँ आपको। साहिल के मेहनत के कारण ये हमारा जो बोर्ड है पूरा फुल के रेडी है, तैयार है नाव, और हम जाएंगे महानदी की सैर करने थोड़ी देर। तो वैसे भी तो मैं अपना ये यंत्र को लेके नहीं जाऊंगा कि बहुत रिस्क है भाई, पानी होने में गिर गया तो बहुत इकलौता मेरा प्यारा ये डिवाइस ये यंत्र। तो और ये म्यूचुअल फंड भी नहीं है, और म्यूचुअल फंड भी नहीं भाई, तो क्या बोले अभी कुछ नहीं बोलेंगे, आकाश को देंगे ये, थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे हमारा और मैं और साहिल करके थोड़ा सैर सपाटा करके आते हैं नदी का। और देखो गाइस काफ़ी मज़ा होने वाला है, और भी बहुत चीज़ है होने को। तो मैं तो यहाँ पे चिल मार रहा हूँ गाइस, एकदम बैठा हुआ हूँ, देखो रख के चप्पू को, और इधर हमारे साहिल चप्पू चला रहे हैं, और हम लगभग नदी के बीचों बीच आ चुके हैं। थोड़ा सा कोशिश करेंगे और थोड़ा सा जाएं, थोड़ा डीप में जाएं, और मैं बता दूं ये पूरा रिस्क भरा है, बट मैं और साहिल गांव से हैं, वी आर देसी, हम देसी हैं तो हमको तैरना आता है। ये बोर्ड टूट भी जाए, फूट भी जाए, हवा निकल भी जाए, तो हम लोग तैर के नदी पार कर सकते हैं। तो ये हमारी थोड़ी सी है कि हम कर सकते हैं, और इसीलिए हम लोग इतना रिस्क लेके आते हैं। तो गाइस आप जब भी नदी नाले में नहाते हो तो पूरे सिक्योरिटी के साथ नहाओ, लाइफ जैकेट लेके ऐसे बोट वगैरह में आओ, हम लोग देसी आदमी, हमको आता है नदी से तो अपना बचपन का रिश्ता है। सो वीडियो को देखते रहो गाइस, देखते रहो, मजा करते रहो, और आप भी हमारे साथ आना चाहते हैं इस ऐसी ट्रिप पे तो मेरे इंस्टाग्राम में जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मेरे को DM कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिप एकदम धांसू वाला नेक्स्ट ट्रिप बनने वाला है, किसी महानदी के किनारे, किसी दूसरे किनारे पे। तो गाइस उसमें आने के लिए मेरे को DM करें मेरे इंस्टाग्राम में जाके। नदी के बीचों बीच हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, और मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ आपसे। यहाँ दूर में एक अब मंदिर देखने को मिल रहा है, तो ये मंदिर हमारा पोरत धाम है। इस मंदिर को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जूम करके आपको दिखा पाऊँ, तो ये मंदिर आपको दिख रहा होगा गाइस, तो ये हमारा पोरत धाम है, और हम पोरत धाम के बीच में हैं। पोरत धाम और इस साइड हमारा
तोरा गांव। यहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग बात एक वह है कि इस साइड के जो गांव है ये इस साइड से गांव है, मतलब नदिया के पार वाले गांव, तो आज भी यहाँ नाव से लोग आना जाना करते हैं, आवाजाही आज भी नाव यहाँ चलती है, लोग यहाँ नाव में अपना ट्रैवल करते हैं। और मेरा मामा घर भी नाव के उस पार है, तो कभी मैं अपने नैनिहाल जाऊँगा तो बताऊँगा। मैं भी बचपन में जब पूल नहीं था तो नाव से ही मैं अपने नैनिहाल जाया करता था, तो काफ़ी बचपन की यादें हैं इस नदी से मेरा। और इसलिए हम हमारी यही रहती है, हम ज़्यादा दूर जाते नहीं, ट्रैवल नहीं करते, वैसे देसी ट्रैवलर हूँ मैं, तो ऐसी देसी जगहों पे जाता हूँ, घूमता हूँ जो ज़्यादा फेमस नहीं है, बट लेकिन काफ़ी मन को शांति पहुँचाती है। और इसी तरह मेरा जर्नी है गाइस। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा वीडियो देखते हो आप, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। वैसे मैं ज़्यादा बोलता नहीं, बट आज थोड़ा सा बोल ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है लोगों तक पहुँचे और वो अपने गाँव और अपने धरती और अपनी मिट्टी से जुड़े रहें। तो यहाँ से उतरते हैं भाई, यहाँ से गिरना के नहीं है, गिरेगा गाइस। मजा आ गिस गाइस, मजा आ गिस गाइस। नहा धो के हो गए रेडी, अब बारी है खाना पीना करने का। सब भाई लोग बैठ चुके हैं क्योंकि भूख से तलबला रहे। टाइम हो चुका है 3, सो 3 बजे हम लोग की हो रही है यहाँ भोजन, क्योंकि हमने मस्ती किया भाई 2 बजे तक। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना दूर देख चुके हो तो नानचुक बाँची सगा थोड़ी देखदारी है, ठीक है चलो। आज की पार्टी कंप्लीट हो चुकी, हमने आज बहुत सेलिब्रेट किया, तो ये लोकेशन को हम यहाँ बोलेंगे टाटा बाय बाय। और जहाँ भी आप भी आते हो यार देसी ट्रैवल दिवा के तरह, आओ लोकेशन को क्लीन करो, जाते वक्त क्लीन करो, और जैसे भी हो जहाँ भी हो गाइस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो देसी ट्रैवल। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।